नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हर 12 साल में फटता है धरती का सीना और निकल कर आते हैं बाबा भैरव। जी हां, ये चमत्कार होता है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जहां पाताल से बाबा न केवल प्रकट होते हैं बल्कि हर साल अपना आकार भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस बात की गवाही दे रही हैं बाबा भैरव के मंदिर में विराज थी छोटी बड़ी 6 मूर्तियां। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए आपको बताते हैं। काल पर भारी भैरव। हर साल बढ़ाते हैं अपना आकार। जमीन फाड़कर होते हैं प्रकट। दर्शन करने वालों का भर देते हैं घर। इन मूर्तियों के रूप, आकार और संख्या में छिपा है वो रहस्य जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। ये मूर्तियां जितनी चमत्कारी है उतना ही हैरान भी करती हैं। जी हाँ, यही है मंदसौर के भैरव बाबा की इन मूर्तियों का राज। एक मंदिर, एक छत के नीचे विराजने वाले बाबा की छोटी बड़ी मूर्तियों का सच। कहते हैं कि ये मूर्तियां स्वयंभू है, ये जमीन फाड़कर अलग अलग समय पर प्रकट हुई हैं। इस बात की गवाही मूर्तियों के आकार भी देते हैं। कहते हैं हर 12 साल में जमीन से भैरव बाबा की एक मूर्ति निकलती है जिसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, एक बार की यकीन भी नहीं होता, लेकिन मंदसौर के मापता गांव के लोगों का यही यकीन है। कुछ गांव वालों का तो ये तक दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से मूर्तियों का आकार बढ़ते देखा है। ये पाताल का ऐसी मूर्ति है और यहाँ पे मूर्ति 12 साल में एक बार निकलती है और मूर्ति जमीन में से ऐसे निकलती है और टाइल्स फूटती है और अपने आप मूर्ति बाहर आती है। मूर्ति 12 साल में एक बार ऐसी बढ़ती है जैसे बच्चा बढ़ता है, मूर्ति अपने आप बढ़ती जाती है और रोग दो जैसे घर के कले से ये सब दूर होते। जैसे लोगों को पास पास गाँव को मालूम पड़ता है तो वो भी अब अपने यहाँ चमत्कार मूर्ति देखने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होते ही यहाँ पूरी करने भी आते हैं। पाताल से बाबा के प्रकट होने की वजह से इस मंदिर को पाताल कालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मूर्तियों के इस तरह बढ़ने के पीछे क्या कारण है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन बाबा के धाम पर उनसे इस चमत्कार को देखने के लिए भक्तों की भीड़ हर रोज उमड़ती है। कहते हैं पाताल से प्रकट होकर बाबा भक्तों का कल्याण करते हैं। जो कोई सिंदूर से बाबा का श्रृंगार कर देता है उसके कष्ट हर लेते हैं भैरव। यहाँ की मूर्ति बहुत चमत्कारी है, यहाँ जो महिला आती है उसकी मन्नत पूरी होती है, जिसको संतान नहीं होती है वहाँ की यहाँ की मान्यता लेगा उसको संतान की प्राप्त होती है और जिनको जैसे कुछ भी रोग व्याधि होता है वो यहाँ की मान्यता से पूरी हो जाता है। उसकी भगवत द्वारा उनके शरीर पे लगाई जाती है, वो भी उनके द्वारा लगाने के बाद उनके सब रोग दूर हो जाते हैं। वैसे तो बाबा सभी पर अपना आशीर्वाद लुटाते हैं, लेकिन संतानहीनों को मिलता है उनका विशेष वरदान। ये मान्यता है कि जिसने पाताल कालेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए उसे संतान का सुख मिलते देर नहीं लगती। आरती कर भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं चमत्कारी भभूत और फिर अपने दुख यहीं भूलकर चले जाते हैं। मंदसौर से आकाश चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। जितना रहस्यमय है भैरव का संसार उखा है उनसे मुराद मांगने का तरीका। यहाँ नगाड़े की थाप के साथ बरसता है बाबा का आशीर्वाद, तभी तो हर रोज यहाँ नगाड़ा बजाने के लिए लगता है भक्तों का तांता। जब दी जाती है नगाड़े पर थाप, बाबा लगा देते हैं भक्तों का बेड़ा पार। हर थाप के संग बरसता है बाबा का आशीर्वाद। 40 दिन में मिलता है मनचाहा वरना।
नगाड़ा बजाकर ये भक्त बाबा से मांग रहे हैं आशीर्वाद, लगा रहे हैं प्रसन्न होने की गुहार, ताकि हो जाए उनका बेड़ा पार। काशी के बटुक भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भक्त इसी तरह से सुनाते हैं बाबा को अपनी फरियाद। कहते हैं ऐसा करने से बटुक भैरव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कष्टों को दूर करने में वक्त नहीं लगा, यही वजह है कि यहाँ बाबा की आराधना के लिए भक्तों में जितना जोश होता है उतनी ही आतुरता उनके दरबार में लगे इस नगाड़े को बजाने की भी होती है। बटुक भैरव की शक्तियां अपरंपार है और उनके चमत्कारों की कहानी अनगिनत। कहते हैं कि बाबा महादेव के बाल रूप है और यही रहस्य है उनकी असीमित शक्तियों का। महादेव के बाल रूप के दर्शन बेहद दुर्लभ है, देवताओं ने भी उनका ये रूप बड़ी मुश्किल से देखा था। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया। कहते हैं इस रूप में महादेव माँ पार्वती के वजह से आए थे। कहानी कुछ ऐसी है कि जब माँ से ब्याह करने के लिए शिव पर्वतराज हिमालय के द्वार पहुँचे तो उनके रूप और वेशभूषा को देख पार्वती भयभीत हो गई। माँ के डर को दूर करने के लिए बाबा तुरंत मनमोहक बाल रूप में आ गए। काशी का ये मंदिर तभी से उस दिन की निशानियों को समेटे बड़ी शान से खड़ा है और भक्तों पर आने वाली आपदा को दूर करता रहा है। मंदिर में रोजाना चार पहर आरती की जाती है और भगवान को बच्चों की प्रिय वस्तुओं का लगाया जाता है भोग। हालांकि पूजा के बाद प्रसाद को ग्रहण करने की मनाही है। इसके पीछे मान्यता यह है कि इस प्रसाद में बाबा की इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि कोई और इसे ग्रहण कर ही नहीं सकती। इस प्रसाद को या तो पुजारी ग्रहण कर सकते हैं या फिर इसे कुत्तों को खिलाया जाता है। यहाँ 40 दिनों तक जो भक्त रोज बाबा के दर्शन कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ग्रहों का कोप कट जाता है। गरुण मिश्र, वाराणसी, आज तक। दिल्ली के भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए लगाना होता है एक ऐसा भोग जिसकी कल्पना शायद ही आपने कभी की हो। यहाँ दूध से प्रसन्न होते हैं भैरव बाबा, कैसे आइए आपको बताते हैं। धार दिलाती है भैरव का आशीर्वाद। भैरव जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ मदिरा के प्रसाद से ही प्रसन्न होते हैं, वो भैरव जिनके दरबार में दी जाती है बलि। लेकिन आज जिन बाबा भैरव के आप दर्शन कर रहे हैं वो सबसे अलग है। अनोखा है दूधिया भैरव मंदिर, दूध से प्रसन्न होते हैं भैरव। बाबा के दरबार में हर रोज इसी तरह से आरती की जाती है और फिर लगाया जाता है उन्हें दूध का भोग। दूध चढ़ाने की वजह से यहाँ भैरव को दूधिया भैरव के नाम से भी पुकारा जाता है। बाबा को दूध चढ़ाने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय कुंती ने यहाँ आकर पूजा की और प्रसाद के रूप में दूध चढ़ाकर बाबा से दूध की लाज रखने की गुहार लगाई थी।
भैरवनाथ ने भी कुंती को निराश नहीं किया और दे दिया पांडवों को विजय का वरदान। कहते हैं तभी से यहाँ बाबा को पूरी तरह से शाकाहारी प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। भर जाती है सूनी गूंद, मिलता है विजय का वरदान। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। दिल्ली में पुराने किले के पास मौजूद दूधिया भैरव मंदिर में भक्त पहले बाबा की पूजा करते हैं और फिर मांगते हैं अपनी मुराद। कहते हैं कोई भी काम करने से पहले अगर यहाँ आकर पूजा कर ली जाए तो काम में सफलता अवश्य मिलती है। भैरवनाथ संतानहीनों के जीवन में खुशियों के नए रंग भी भर देते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उनकी गोद हरी हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद मिलता है। रविवार यहाँ आकर भक्त भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जितना अद्भुत होता है पूजा का नजारा उतनी ही अनोखी होती है उसके बाद की विधि। पूजा के बाद भैरव बाबा को चढ़ाए दूध को पिलाया जाता है कौओं को। मांसाहारी कौवे यहाँ दूध पीते दिखते हैं। कहते हैं ऐसा करने से भक्तों की पूजा पूरी हो जाती है। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपालु, करहु दया निज दास पे निश दिन दीन दयालु। पांडव कालीन में माता कुंती द्वारा बनाए गए इस मंदिर से लोगों को बहुत आस्था है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में पूजा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ रोहित कुमार, दिल्ली आज तक। और अब आपको दर्शन कराएंगे चित्तौड़गढ़ में विराजने वाले बाबा भैरवनाथ के, जो भक्तों की अर्जियों पर फूल गिरा कर देते हैं अपना आशीर्वाद। देखिए बाबा का ये चमत्कार। पानी है कुंडली के दोषों से मुक्ति, चाहिए नई नौकरी, चमकाना है अगर भाग्य, तो पर्ची लिखकर लगाइए अर्जी, फूल गिराकर भैरव बाबा देंगे वरदान। ये दरबार है बाबा भैरव का और यहाँ इन पर्चियों पर गिरे इन फूलों का रिश्ता है भक्तों की मनोकामनाओं से। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फूल कैसे पूरी कर सकता है आपकी मुराद, तो हम आपको बता दें कि ये सच है। यहाँ एक फूल गिराकर बाबा भक्तों को तुरंत ही देते हैं इच्छा पूरी होने का वरदान। मेवाड़ के भदेसर में बना बाबा भैरव का मंदिर सभी मंदिरों से अनूठा है, क्योंकि यहाँ बाबा के दरबार में भक्त पर्ची पर लिखकर लगाते हैं बाबा के सामने गुहार। लेकिन इससे अनोखा भक्तों का विश्वास है कि बाबा जिस भी भक्त की गुहार सुन लेते हैं बाबा के सिर से एक फूल उसकी पर्ची पर गिर जाता है, जिसे भक्त भैरव का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। भक्त यहाँ भैरव बाबा को भदेसरिया भैरव के नाम से पुकारते हैं। भगवान सोमनाथ के पास स्थित थे, जिसे महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कैलाशपुरी के एकलिंगनाथ मंदिर के पास स्थापित कर दिया गया। लेकिन वहाँ भैरव बाबा को तामसी भोग के रूप में बलि और मदिरा भेंट की जाने लगी। तब चित्तौड़गढ़ के महाराजा ने बाबा को चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थापित किया। बाद में कपासन का नाम भदेसर हो गया और इसी नाम पर भैरव बाबा का नाम भदेसरिया भैरव जी पड़ा। शांति शांति। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर हमला किया क्योंकि बहुत दौलत थी वहाँ और मूर्तियों को तोड़ा, लूट खसोट की। उस समय इस शुभ मूर्ति को जो है उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया तो वहाँ के सिद्ध योगियों ने इसको लुपा छिपा करके, और यहाँ मेवाड़ के अंदर जहाँ एकलिंगनाथ का मंदिर है वह उस परिसर के पास ले आए और उसके पूर्व साइड में और तालाब के बाल के बीच में इसका परिसर बढ़ा करके वह स्थापना कर दी।
लेकिन क्या था कि पुराने जमाने में जो जागीरदार होते थे, राजा महाराजा और जो सैनिक प्रकृति के लोग होते थे, उनको भद्र पुरुष कहा जाता था। इसलिए इस मूर्ति का नाम भी भद्रेश्वर भैरुनाथ, और भद्रेश्वर भैरुनाथ का अपभ्रंश होकर के भद्रेश्वर भैरुनाथ। भैरव बाबा के दरबार में दूर दूर से भक्त, पुत्र प्राप्ति, बच्चों के विवाह, भूत प्रेत बाधा, रोजगार प्राप्ति, रोग निवारण के लिए अपनी अर्जी लगाकर आराधना करते हैं, और जब प्रतिमा के मस्तक से उस पर पुष्प गिर जाता है तो पुजारी भक्त को उसकी पर्ची भगवान के आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र ब्रह्म मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं भोजन पचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है भोजन कर लेते हैं लेकिन वो अपच सी होती है, ऐसा लगता है भारी भारी सा पेट रहता है, भोजन पकता नहीं, ठीक से पचता नहीं है, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूँ फिर इसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मा समाधिना। इस मंत्र को प्रत्येक दिन लगातार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम चाहते हैं भोजन पच जाए, तो प्रत्येक दिन भोजन से पहले जब भी आप भोजन करें, प्रातःकाल या सायंकाल, भोजन से पहले भगवान को इस मंत्र को प्रणाम करके अगर नमस्कार कर देते हैं तो आप देखेंगे भोजन के बाद आपको भोजन पच जाएगा और आप हल्का अनुभव करेंगे। मित्रों मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूँ। मंत्र है ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मा समाधिना। इस मंत्र का प्रत्येक दिन आप भोजन से पहले जप करें, पाठ करें, उच्चारण करें, जिससे आपका भोजन पच जाए